नमस्कार किसान भाइयों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिर्ची की फील्ड में आए हैं क्योंकि एक विशेष एक नया प्रकार की समस्या आ गई है मिर्ची की खेत में। देख सकते हैं तो जो मिर्ची का रंग है धीरे धीरे काला होते जा रहा है। जो मिर्ची का रंग है हरे रंग का होता है या फिर लाल रंग का होता है, तो बिल्कुल एक नया प्रॉब्लम आ चुका है। जो मिर्ची का रंग है काला है, देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से आप, और जितने भी किसान भाई हैं यहाँ के बहुत परेशान हो गए हैं कि हमारा मिर्ची का जो खेत है फील्ड है पूरा मिर्ची का जो रंग है काला क्यों हो रहा है। इस वजह से ये वीडियो आज बनाना पड़ा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा कारण है कि मिर्ची का रंग काला हो रहा है। दोस्तों, क्या होता है, तापमान के कम ज्यादा होने की वजह से और बदल जब होता है, जब पानी गिरने का मौसम रहता है और बदल पूरा क्लियर नहीं रहता, मतलब क्लाउडी सीजन रहता है, क्लाउडी मौसम रहता है, उस वजह से सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाता चिली के इस फ्रूट को। इस वजह से इसमें ब्लैक कलर स्टार्ट हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए हम आपको दवाई बताएंगे। तो इसमें का मेन फैक्टर तो यही था कि क्या है, टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से, बदल मौसम होने की वजह से ऐसा होता है। इसके बारे में जो कंट्रोल है कि ये जो नया प्रॉब्लम है इसका जो कंट्रोल है, हमारे शिवम कृषि सेवा केंद्र के भैया जिनका नाम है सौरभ सिंह राठौर, जिन्होंने BSc हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई कंप्लीट की है, और आपको वही बताएंगे कि इसका कंट्रोल कैसे करना है। मिर्ची की फसल में मुख्यतः ब्लैक फल में ब्लैक कलर का होना बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। यह समस्या विशेषकर ठंडी के दिनों में ही मिर्ची की खेती में आती है, और इसका मुख्य कारण दिन का तापमान एवं रात के तापमान में भिन्नता या फिर असमानता। इस कारण से मिर्ची में एक ये ब्लैक फंगस का इफेक्ट हो जाता है, जिससे मिर्ची का कलर ब्लैक कलर का हो जाता है, और हमारी फल की जो ऊपरी सतह होती है ये ब्लैक कलर का हो जाता है। अंदर इसको कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये बाहर बाहर, जिसके कारण ये फ्रूट जो होती है हमारी, इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, या बाजार ले जाने पर इसकी जो मूल्य है वो हमको अच्छी नहीं मिल पाती। यह मुख्य रूप से ठंडी के दिनों में ही होता है। इसके लिए हम खास तौर से अपन लू कॉपर बोलते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम की डोज से, और ब्लीडामाइसिन 400 ग्राम की डोज से 200 लीटर पानी में एक एकड़ में छिड़काव करेंगे, जिससे यह फंगस की समस्या दूर हो जाएगी और हमारी मिर्ची की मार्केट वैल्यू बरकरार रहेगी। यह मिर्ची की फसल में ठंडी के दिनों में होने वाली मुख्य समस्या है। धन्यवाद, नमस्कार, जय किसान, जय जवान।